हाय एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल छोटी कोशिश। तो मैं हूँ आप लोग साथ प्रियंका। तो हम निकल चुके हैं अपने घर से, हमारे अपने परछाई के साथ आरा जाने के लिए, अपने ड्यूटी स्थल जाने के लिए। हिंदी बोलने अच्छा आ गया, ड्यूटी स्थल। फिलहाल हमारी ड्यूटी आरा के उदवंत नगर ब्लॉक के PHC में ही है, बाद में हमें सब सेंटर दिया जाएगा। फिलहाल हमें कुछ थोड़े बहुत ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, क्योंकि सेंटर पे जाके तो हम लोग सीखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ ऑनली टीकाकरण होता है और हॉस्पिटल में बहुत कुछ देखने को मिलता है। सो हमारी ट्रेन आज लेट है कुछ, क्योंकि 8:40 वाली जो हमारी पटना से ट्रेन खुलती है वो बहुत ज़्यादा लेट थी, तो हम भी थोड़े लेट ही निकले थे घर से। तो हमारे फ़िलहाल के एक्सपीरियंस कुछ अच्छी है कुछ ख़राब है, क्योंकि घर में रहने वाला इंसान एक एक बाहर निकल रहा, तो परेशानी सिर्फ यही है कि हमें हमारी ज़्यादातर सफ़र ट्रेन में है, तो मुझे ज़्यादा बैठना पड़ता है। काम कोई हार्ड नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी नए हैं तो काम तो भारी मिलेगा नहीं। सो बस आने जाने में ही परेशानी होती है। और हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, तो स्टेशन का कुछ नज़ारा ऐसा है और हमें लगता है कि हम ही घर से निकल रहे हैं इस टाइम, लेकिन स्टेशन आने के बाद पता चलता नहीं, हमारे जैसे तो बहुत लोग हैं स्टेशन पर कमाने खाने वाले। आज चेहरे पर खुशी बरकरार इसलिए क्योंकि आज हम जाने वाले थे 6 बजे, तो मतलब कि 6:40 में ट्रेन है वो पकड़ने वाला था, लेकिन पता चला कि पटना से अभी तक वो नहीं खुली है, तो मेरा टाइम बच गया। आज आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा ब्लॉग शूट किया हुआ 21 नवंबर का ही वीडियो है। सो आप लोगों के साथ आज शेयर करें, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था, आओ और घर में आके सो जाओ, तो वीडियो एडिट करने का टाइम भी नहीं मिलता था। वीडियो एडिट कर भी लेती थी तो वॉइस ओवर नहीं कर लेती थी, तो यहाँ आके स्टेशन पर बैठ चुकी हैं और अपने पैर को डला के मज़े ले रही हूँ कि कैसा लग रहा है। आखिर मेरा पैर जो कि है आखिर में चुचुंदर जैसा है, लेकिन फिर भी मज़े लिए जा रहे हैं, क्या करें बैठ के। सो हमारी ट्रेन फिर अगेन से लेट आई। जिस भी ट्रेन से जाओ वो सारी ट्रेन ही लेट हो जाती है, मतलब हम लोग को पूरा डांट सुनाने का विचार रहता है, जो फाइनली इस दिन जाके डांट सुने भी थे कि आप लोग इस टाइम आए तो आप लोगों को कल से अटेंडेंस नहीं बना दिया जाएगा। तो हमारी ट्रेन खैर निकल चुकी है और हम बैठे हैं खिड़की के पास थोड़े नज़ारे वजारे लेते हुए। तो ये शायद दानापुर जंक्शन से हमारी ट्रेन चुक 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 कर दे खुल चुकी है। मैं हम भी कंफ्यूज हैं कि दानापुर है कि पटना है, क्योंकि वीडियो बहुत दिन पहले की शूट की हुई है तो याद नहीं है कि मैं कौन से स्टेशन पे वीडियो बनाई थी, क्योंकि समझे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पटना से वीडियो बनाई थी, शायद ये दानापुर ही हो। हाँ फाइनली ये दानापुर ही ट्रेन नहीं सॉरी स्टेशन थी। तो विंडो सीट पर बैठने का मज़ा ही अलग है, मतलब आराम से बाहर के नज़ारे देखते हुए आपका जर्नी इतना आसानी से कटता है मत पूछिए, क्योंकि मुझे सफ़र में फ़ोन चलाने की आदत नहीं है। तो ये तो मैं सिर्फ क्लिप ले रही थी इसलिए फ़ोन यूज़ कर रही थी, नहीं तो एक तो सबसे बड़ी बात कि जियो का नेटवर्क इतना बुरा होता है कि हर जगह चलता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि फ़ोन को अपने बैग में रख के आराम से रहो। और ये मुझे हमेशा जमा ही आते रहते, मतलब कोढ़नी वाला पूरा काम होते रहता है, हमेशा नींद ही आते रहती है। तो हमारी ट्रेन सरपट सरपट दौड़ती हुई ये स्टेशन पहुंच चुकी है, यानी हम आरा जंक्शन पहुंच चुके हैं और हमें लेट हो रही है, तो हम जल्दी से ऑटो पकड़ेंगे। बीच में बिना बकवास करते हुए आप लोगों से मिलते हैं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, क्योंकि हमारे वहां क्लास लगने वाली है। हम कहते हैं कितना होगा जल्दी बताइए। हाँ नहीं जानते हम, मेरा कुछ भी हमको पता होता नहीं है, लो रहेगा कि हाई रहेगा जल्दी बताइए। अब हम नहीं बता सकते लो रहेगा कि हाई, हमको कुछ नहीं पता, जल्दी बताइए। नहीं बता सकते यार, मेरा हमेशा लो रहता है। पता नहीं, हम तो लगता है पहली बार चेक करवा दी, नहीं मेरा रहेगा पहली बार, पता नहीं हमको याद नहीं है कि हम कब अपना चेक करवाए होंगे दीदी। इसलिए तो बोल रहे हैं कि पहली बार, ये मेरे लिए पहला चीज है। फिर कब आओ? 129 जज करा ले।
बिहार सरकार के प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 9 और 21 को प्रत्येक मंथ में प्रेग्नेंट वुमेन का चेकअप होता है फ्री में। उसी का ये मेला ठेला लगा हुआ था और उसी के जांच में हम लोग बैठे थे, तो हमारा जांच अच्छा हो गया। तो हम लोग करने बैठे थे लंच, सब अपने अपने लंच निकाल के बैठे थे खाने के लिए, क्योंकि कुछ दिन में हम लोग का ये जो भीड़ एक साथ है इकट्ठा वो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग गाँव में बट जाएंगे। फिलहाल अभी साथ में है तो खा ले रहे और इन्जॉय कर ले रहे, और क्योंकि ये इन्जॉय करने का मौका मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि आओ और भागो वाला सिस्टम हो जाएगा, सब तक एक ही दिन मिलना होगा। ऐसा बनाएगा तब खाएगा, झोला खोज रही है। तो लंच हमने लगभग 2:20 में ख़त्म कर लिया था और हम लोग गए थे सिग्नेचर करने, क्योंकि अटेंडेंस बनाने हम लोगों को अंत में दिया जाता है, फिलहाल नहीं है इसलिए क्योंकि भाग ना जा। तो हमारी ट्रेन 3:05 में ही है आरा में, उसके बाद कोई भी ट्रेन नहीं मिलती है जल्दी, मिलने की मतलब यानी कि आपका पूरा बेड़ा गर्क। सो हम लोगों को उस दिन कुछ काम की वजह से बैठाए रखा हुआ था, तो फाइनली वही हमारा 3 बज गया, तो हमारी ट्रेन आखिर में छूट जाती है। उसके चक्कर में हम लोग मुंह लटका के बैठे हुए हैं और गुस्सा भी आ रहा था कि जाने नहीं देते, क्योंकि घर आते रहते 9 बज ही जाता, लेकिन उन लोगों को कौन परेशानी समझाए। उनका तो कहना है ये आपकी प्रॉब्लम है, आप जाने, आपको कैसे जॉब करना है। फिलहाल ये तो सच बात है कि हमारी प्रॉब्लम है, हम कैसे समझे। तो ये हम लोग ऑटो पे बैठ चुके हैं, क्योंकि एक ऑटो में हम लोग फुल हो चुके थे, तो हम लोग फ्रंट में ही बैठ चुके थे ड्राइवर के साथ ही। तो हमें ड्राइवर के बगल वाले सीट पे बैठने का कारण ये थी क्योंकि हम लोग को उम्मीद थी कि हमारी ट्रेन पकड़ा जाएगी, जो कि नहीं पकड़ाती है, लेकिन फिर भी हम लोग बैठ जाते हैं कि चलो एक साथ निकल जाएंगे, दूसरी ऑटो का वेट करेंगे, तब तक हम लोग कुछ देर इस ऑटो से आगे निकल जाएंगे। इसलिए आराम से हम लोग फ्रंट मतलब आगे वाले सीट पर ही बैठ के निकल चुके थे, लेकिन ट्रेन तो हमारी पकड़ाती नहीं है क्योंकि छूटी जाती है, लेकिन इस उम्मीद से ही बैठे थे। तो बात कर रहे थे कि हम लोग डांट सुनते हैं हमेशा कि नहीं आप लोग की प्रॉब्लम है, आप समझे कि कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, ये तो सच बात है। तो लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी टेंशन होती है, सबसे बड़ी बात हमारे बच्चे जिसको हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते, उसी बच्चे के कारण हम लोगों को वापस घर आना पड़ता है, क्योंकि बैंड बाजा दिन में तो कैसे भी रह जाता है और रात में उसको चाहिए ना मम्मी, तो एकाएक तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए रात पे भी आना पड़ता है, चाहे कितनी भी देर हो, रात के 9 बजे क्यों ना, लेकिन आओ और मॉर्निंग में 6 बजे निकल जा। तो यही सफ़र है, तो कुछ सफ़र का मज़ा लेते हुए तो ड्राइवर का भी फोटो ले लिया भाई, याद रहेगा ना कि फ्रंट सीट पे भी बैठे थे हम लोग, तो हम अकेले नहीं, हमारे साथ और भी एक बैठी हुई थी। तो यहाँ स्टेशन आ चुके हैं, स्टेशन आए और स्टेशन पे आने पे पता चलता सारी ट्रेन हमारी छूट चुकी है, जान बुझ के सब लेट कर देते हैं। डर लगता है, काहे डर लगता है जी, नहीं डर लगना ना चाहिए, ठीक है ठीक कुमारी होस्ट है। हमारे 3 बजे वाली ट्रेन छूटने के बाद कुछ कंडीशन इस तरीके की होती है, मतलब 3 बजे के 3 से 5 के बीच कोई भी ट्रेन नहीं रहने के कारण ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो हमें बाथरूम के पास खड़ा होना पड़ता है। और ये हमारी एक दादी मिल गई थी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, तो इनका हमने छोटा सा क्लिप लेकर, चलो याद रहेगा कि ट्रेन में इनसे भी बकवास हुई थी। तो हम पटना जंक्शन पहुँच चुके और यहाँ आने के बाद पता चलता कि कोई भी ट्रेन नहीं है फतुहा जाने के लिए, और जो भी ट्रेन है 9 बजे के बाद है, तो हम फाइनली घर पहुँचते हैं 9:30 बजे के बाद, और हमारा जनाब यहाँ वेट कर रहा है। प्रणाम करो मम्मी को, चोट लग जाएगा तुमको। मम्मी को प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो मम्मी को, अरे किसी दे दो, किसी दे दो मम्मी को, मम्मी को किसी दे दो। ट्रेन छूट गई थी इसलिए इतना देर हो गया। आने के बाद गर्मियों गर्म चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती, तो वही चाय बना के पियेंगे और आराम से लेटेंगे, क्योंकि खाना तो बनाने में घर वाले भी हेल्प कर देते हैं,
जब से जॉब लगी है तब से, पहले भी करते थे लेकिन ना फाइनली मतलब सारा चीज़ उन्हीं लोग के ऊपर लोड हो चुका है, सिर्फ मैं आती और जाती हूँ। जो भी काम होगा घर में, गर्म चाय पियेंगे, फोन चलाएंगे कुछ इधर, उसके बाद ही अब कुछ करेंगे। मतलब कि 3 बजे हमारी ट्रेन थी, वो भी छुट्टी, 3:30 बजे ट्रेन, 4:30 बजे ट्रेन थी, वो भी छुट्टी, निकलने नहीं दिए हॉस्पिटल से। हम लोग खड़े थे कि अब जाने देंगे लेकिन नहीं, कोई बाहर से आया हुआ था, उसकी वजह से हम लोग को जाने के लिए नहीं मिला, इसलिए सारा ट्रेन का कच्चा माल निकल गया। जो भी ट्रेन थी 5 बजे थी, तो घर पर कब खाना बनाएंगे उसका ठीक नहीं।